इस अध्याय में हम सीख रहे हैं स्किन सेवर। स्किन सेवर के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया था पिछले अध्याय में, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाना होगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आप यहां से अपने डेस्कटॉप के स्किन सेवर लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्किन सेवर होता क्या है। स्किन सेवर एक ऐसा वॉलपेपर या पिक्चर बोल सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पर तब चालू होता है या स्टार्ट होता है जब आपके कंप्यूटर पर कोई वर्क नहीं कर रहा हो या फिर आपके माउस या कीबोर्ड को कोई मूव ना करे, हिलाए नहीं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के माउस या कीबोर्ड को मूव कराते हैं या हिलाते हैं, स्क्रीन सेवर हट जाता है। उसे आप यहाँ पर टाइम सेट करके लगा सकते हैं कि कितने टाइम बाद आप स्क्रीन सेवर को लागू करना चाहते हैं, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का स्क्रीन सेवर आपके कंप्यूटर पर लगाना है। अगर मैं यहाँ से नन रखता हूँ तो कोई भी स्क्रीन सेवर आपके कंप्यूटर पर लागू नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसके अलावा अन्य कोई लेता हूँ तो उनमें से वो स्क्रीन सेवर आपके कंप्यूटर पर लागू रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से 3D फ्लोर बॉक्स लेता हूँ तो बॉक्स आपके स्क्रीन सेवर पर दिखाई देंगे। यहाँ से मैं टाइम सेट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखना चाहते हैं किस प्रकार दिखाई देगा तो हमें उसके लिए प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे पूरी विंडो पर आपके ये दिखने लग जाएंगे, इस प्रकार से कुछ पिक्चर आपके कंप्यूटर पर चलने लग जाएगी। जैसे मैं माउस या कीबोर्ड को मूव करता हूँ ये हट जाएगा, ठीक है। सेटिंग में जा करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि इसे किस प्रकार का रखना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाके डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, चेकबोर्ड रखना चाहते हैं, स्मूथ रखना है कि नहीं रखना है, इसका साइज़ किस प्रकार का रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार की रखनी है, वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चेंज करके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अगला हम देखते हैं इसमें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, जिसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आप सेटिंग में जाके चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने फ्लावर बॉक्स में देखा था, यहाँ से देखिए तरह तरह के चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन अभी यहाँ पर खुले नहीं हैं क्योंकि वो दूसरे, जैसे आप कुछ ओपन करेंगे दूसरे लोगो लेंगे उसमें आपको ओपन हो जाएंगे। देखिए टेक्सचर फ्लैग जैसे हम लेंगे कुछ ऑप्शन खुल गए यहाँ पर। इसको मिनिमम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, साइज को मिनिमम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, ठीक है। टेक्सचर में आप यहाँ से खुद का वॉलपेपर डाल सकते हैं जिसे आप खुद चूज़ करके रख सकते हैं। टेक्सचर में जाएंगे जहाँ भी हमारे वॉलपेपर रखे हुए हैं, मान लीजिए माई डॉक्यूमेंट में मेरे वॉलपेपर रखे हुए हैं, माई पिक्चर के अंदर जाते हैं, ये गॉड्स नाम से फोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ से ये नहीं है, टेक्सचर वाले वॉलपेपर होंगे तभी उन्हें अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ठीक है। ये वॉलपेपर नहीं लग रहे हैं यहाँ से, जैसे अगर वॉलपेपर अपने पास वॉलपेपर अवेलेबल हैं तो उन्हें आप सेलेक्ट करके ओपन करके इस फ्लैग में लगा सकते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं यहाँ से। कुछ और चीज़ें इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो 3D टेक्स और यहाँ पर दे रखा है आपको मर्क्यूरी, इसके अंदर आप अपने नाम लिख सकते हैं या कुछ मैसेज लिखकर छोड़ना चाहें अपने स्क्रीन सेवर पर तो छोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैं 3D टेक्स के अंदर जाता हूँ, सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी सेटिंग ओपन हो गई है, जो भी मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ तो वो मैसेज यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं अपना, ये मैंने अपना मान लीजिए नाम लिख दिया तो मेरा नाम दिखाई देगा। उसकी रिलेशन किस करना है, लो या हाई रखना है, साइज स्मॉल या फास्ट रखना है, रोटेशन की स्पीड उसकी फास्ट या स्लो रखना है, उसको किस प्रकार से मूव कराना है चारों तरफ वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसका कलर किस प्रकार रखना है, सॉलिड टेक्सचर, जैसे आप टेक्सचर करेंगे इसके अंदर भी आप अपना जो है वॉलपेपर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं डिस्प्ले सेटिंग में जाकर डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं, ओके कर देते हैं तो जैसे आप प्रीव्यू देखेंगे वहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं ये परमानेंटली आपके कंप्यूटर पर लागू हो जाए तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी सेटिंग आप अपने कंप्यूटर में करना चाहते हैं उसके लिए आपका अप्लाई करना अनिवार्य है। अप्लाई करने के बाद आपको 1 मिनट तक वेट करना होगा। 1 मिनट तक आप अपने कंप्यूटर में माउस या कीबोर्ड को टच नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी स्क्रीन पर
चालू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 3D सॉरी मर्क्यूरी में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ माई पिक्चर स्लाइड शो। माई पिक्चर स्लाइड शो में हम सेटिंग में जाते हैं, जो भी हमारे वॉलपेपर है, देखिए वाइट बॉल सेट हो गए हैं, यहाँ पर सेटिंग में जाके उसको लोकेशन बता देते हैं कि हमारे वॉलपेपर यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ से तो जितने भी आपके फोल्डर, जिस फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया है, उस फोल्डर में जितने वॉलपेपर हैं वो सारे वन बाई वन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक एक करके दिखाई देंगे। टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, कितने टाइम बाद आपको वो दिखाई देना स्टार्ट हो, वॉलपेपर कितने टाइम बाद चेंज हो। मैंने यहाँ पर कम से कम 6 सेकंड दे रखे हैं। उसका साइज़ किस तरह बड़ा देखना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टेज स्मॉल पिक्चर, स्मॉल पिक्चर का क्या करना है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। फाइल का नाम देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ पर चेक लगा के रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते वो कर सकते हैं। इफेक्ट्स देना चाहते हैं वो उनमें तो दे सकते हैं, किस प्रकार से पिक्चर आए, लेफ्ट से राइट से, वो सब। अलाउ स्क्रोलिंग थ्रू पिक्चर्स विद द कीबोर्ड, ये सेटिंग अगर देना चाहें तो ये भी सेटिंग आप दे सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे तो एक के बाद एक के बाल पर आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे। और भी सारे हैं, इन्हें आप एक एक करके सारे को चेक कर लीजिएगा, जो खास खास थे, जैसे माई पिक्चर स्लाइड शो, 3D टेक्स और ये मर्क्यूरी मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। और नन अगर रखेंगे आप तो आपके स्क्रीन पर कोई भी स्क्रीन सेवर लागू नहीं रहेगा। और एक ख़ास बात, जिस जिस में टेक्स्ट दे रखा है उस उसमें आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीव्यू से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑन रिज्यूम पासवर्ड प्रोटेक्ट, ऑन रिज्यूम पासवर्ड प्रोटेक्ट का मतलब है, अगर आपने इस पर चेक लगा कर रखा है तो जैसे ही आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर चालू होगा, उसके बाद जब भी आप माउस या कीबोर्ड हिलाएंगे तो वो पासवर्ड मांगे या नहीं मांगे, अगर इस पर आप चेक लगा कर रखेंगे तो माउस सॉरी कीबोर्ड उस समय पासवर्ड मांगेगा, अगर इस पर चेक नहीं लगा होगा तो विदाउट पासवर्ड वो खुल जाएगा, बशर्ते आपने अपने यूजर में पासवर्ड दिया हो। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग, आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर चेक लगाना है या नहीं लगाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और सेटिंग करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन सेवर की सेटिंग आपके कंप्यूटर पर लागू हो जाएगी। धन्यवाद।